को सुने, कोई करे विचार, को उपदेसे, को दृढ़े, तिसका होए उधार। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। अज जो विचार मैं आप जी दे नाल सांझिया करन जा रहा हाँ, उहना दा विशा है गुरबाणी दा असर क्यों नहीं हुंदा। अजकल अनेका वीर पैणा एह शिकायत करदे ने कि गुरबाणी तो बड़ी पढ़ी जांदी है पर इसका असर नहीं हुंदा, साडा मन नहीं टिकदा ते गुरबाणी दा असर साडे जीवन जांच विच नजर क्यों नहीं आंदा, गुरबाणी साडे मना ते छाप क्यों नहीं छड़दी। आओ इस बारे गुरबाणी तो ही सेध लईए। भगत कबीर जी फरमांदे हन, कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। भाव जो भी मनुख प्रेम नाल समझ समझ के वाणी पढ़दा है जा गौंदा है, इस विच कोई शक नहीं कि ओह सब तो ऊंची आत्मक अवस्था हासिल कर लेंदा है। भाव गुरबाणी दा असर जरूर हुंदा है। साध संगत जी, जेकर असी गुरबाणी दी रोशनी विच अपने जीवन विच आत मारीए ता असी ता रोज बाणी पढ़दे हां सुनदे हां पर साडे जीवन विच अजे कोई तब्दीली नहीं आई, साडा मन अजे भी चिंता चोरियां ते विषय विकारां विच गलतान है। इस दा एक कारण एह हो सकदा है कि कई डेरे वाले ते होर लोक एह प्रचार करदे ने कि बाणी पढ़ी जाओ पर इस दा फल मिलेगा, पर सतगुर दा सेन देंदे होए फरमांदे ने, सतगुर नो सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना हो वही जिचर शब्द ना करे विचार। पाव जिन्ना एह सारा संसार है इस विच हरेक जीव सतगुरु दे दर्शन करदा है पर निरे दर्शन कीत्या मन नू मुक्ति नहीं मिलदी। जब तक जीव सतगुरु दे शब्द दा विचार नहीं करदा, क्योंकि शब्द दी विचार ना होन करके बुरे कर्मा दी मैल मन तो नहीं उतरदी ते बाणी विच प्रेम नहीं बनदा। सो जद असी प्रेम नाल समझ समझ के बाणी सुनांगे जा पढ़ांगे ताही सानू बाणी दी गुरु हुक्मा दी समझ पवेगी, साडा जीवन सुधरेगा ते गुरबाणी दा असर साडी जीवन जांच चो नजर आवेगा। साध संगत जी, साडे सबना विच कुछ मनुख ऐसे हन जो बाणी नू केवल पढ़न मात्र तक सीमित रहंदे हन पर उहना नू बाणी दी पूरन सोझी नहीं है, ना ही इस गल वल कदी ध्यान दिता जांदा है। अजिहा मनुखा विच शरदा बहुत है पर गुरबाणी केहड़ी जीवन जांच दसदी है इस बारे कदी सोचिया ही नहीं। अजिहा मनुखा तो धर्म दे नाते कुछ भी करवा लो करन नू तैयार हन। अज सिख अखवाउण वाले बहुते मनुख वर्त भी रखदे हन, अनमति रस्मां रिवाजां भी करी जांदे हन, मड़ियां भी पुजदे हन ते रोज गुरुद्वारे भी नेम नाल जांदे हन। स्पष्ट है बाणी दे उपदेशां नाल कोई सरोकार नहीं, जे सरोकार नहीं ता बाणी की असर करेगी। जिस मनुख नू बाणी दे अर्थां दी समझ पै जावे ओह कदे भी अजिहे कर्म करन नू तैयार नहीं होवेगा। साध संगत जी, अज हर पिंड शहर विच डेरे वादे वधन दा कारण ही एहो है कि कोई भी भरम पा दियो लोग उस विच फस जांदे हन, इत्थों तक कि धर्म दे उल्ट करवाए जा रहे कर्मां नू भी धर्म ही समझी बैठे हन। 70 तों 80% सिखां ने कदी पंच प्रवाणित सिख रहत मर्यादा कदी पढ़ी ही नहीं, ऐसे करके गम्मे खुशी दे मौकियां ते धर्म दी आड़ हेठ बड़ी मनमत हुंदी है। अज हर गुरुद्वारे ते इतिहासिक स्थल ते मस्या सगरांदा ते पूर्णमाशी दे उचेचे इकट्ठ हुंदे हन ते इहना दिना दी महानता समझाई जांदी है, पर जे कबीर जी दे शब्द दे अर्थां दी समझ पै जावे ता होर कुछ कहन दी लोड़ ही नहीं। 14 अमावस रच रच मांगे कर दी पकले कूप परे। हुन दूजे पासे आंदे हन ओह लोग जिन्हां पास ज्ञान है पर श्रद्धा नहीं, जां आखो कि अखरी ज्ञान है पर अंदरों कोरे दे कोरे ही हन। ज्ञानवाद मनुखां दी जिंदगी ता बड़ी सहज अवस्था वाली होनी चाहिदी है पर अक्सर देखिया जांदा है कि ज्ञानवाद मनुख भी कलपदे हन ते होमे ते ईरखा दे शिकार हुंदे हन। असल विच गुरबाणी दे अखरी अर्थ कर लेना, इतिहास दी जानकारी ले लेना,
उतना चिर कोई अर्थ नहीं रखता जद तक असी गुरबानी अनुसारी होके ना जीविए ते साडी जीवन जांच उच्ची सुची ना हो जावे। जिस तरह ज्ञान विहूनी श्रद्धा मनुख नू अन्या कर देंदी है, उस तरह श्रद्धा विहूना ज्ञान भी लंगड़ा है। केवल ज्ञान रखन वाले अक्सर चुंच ज्ञानी बन के रह जाते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। ऐसे करके दोहां तरह दे व्यक्ति जिन्हां पास ज्ञान है पर श्रद्धा नहीं, जा श्रद्धा है पर ज्ञान नहीं, बानी बेशक बड़ी जान, बानी दा असर नहीं होवेगा। बानी दा असर कोई करामाती तब्दीली नहीं बल्कि आत्मक ऊंचाई है। बानी दा असर सदका बेईमान मनुख ईमानदार बन जाता है, झूठ दा सहारा लैन वाला सचियार बन जाता है, जुल्मी बिरती दया विच तब्दील हो जाती है, आलसी उद्यमी बन जाता है, निंदक झगड़ालू ते इरखालू सौ मनुख बन जाते हैं। सो सात संगत जी आओ अज तो असी भी बाणी विचारीए ते बाणी अनुसारी होके जीविए। भाई गुरदास जी फरमांदे हन, गाए सुने आखे मीचे, पाइए ना परम पद गुरु उपदेश गै, जौ लौ ना कमाइए। होइया बुल्ला लई खिमा दा जाचक हां जी, वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।